राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आग लगने की भीषण घटना सामने आई। रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली पुलिस ने इस भीषण अग्निकांड में 43 लोगों के मरने की पुष्टि की। इससे पहले लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के सूत्रों ने 30 से ज्यादा लोगों के मरने का अंदेशा जताया। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का सीतम लगातार बढ़ता जा रहा है। पारे में प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को तड़के पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। इसके कारण मैदानी इलाकों और घरों के बाहर खड़ी कारों पर बर्फ की परतें जम गई। सिरोही जिले में सर्दी का सीतम अब बढ़ने लग गया है। जिले के माउंट आबू में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। पिछले कई दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के जजों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने वकीलों को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि वकीलों को बिना वजह हड़ताल नहीं करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के 29 पद खाली पड़े हैं। जयपुर के पावटा कस्बे में शनिवार की सुबह एक ट्रोला जिसके ब्रेक फेल हो गए, अनियंत्रित होकर 11 कारों में रोलता हुआ चला गया। पीछे से एक ट्रोला जिसके ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर 11 खड़ी कारों को रोलता हुआ निकला। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की सहायता से सभी सवारियों को बाहर निकाला। वह इन कारों में सवार घायल एक विदेशी महिला व चार जनों को पावटा सीएचसी के प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हनुमानगढ़ के भारद्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक सैनी की माता स्वर्गीय नीमा देवी की 8वीं पुण्यतिथि पर रविवार को भाजयुमो की ओर से रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। शिविर में करीब 10 डॉक्टर सेवा देंगे। पावटा कस्बे में 27 नवंबर की रात को मेडिकल व इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए चोरी गए माल को बरामद करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया। जयपुर में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि चोरी के बाद प्रागपुरा थाना प्रभारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला व आतंक बदमाशों को पकड़कर उनसे गहन पूछताछ की। दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित डीटीसी कॉरियर के 30 वर्षगांठ सेलिब्रेशन में कई देशों से आए चैनल पार्टनर मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। आयोजित कार्यक्रम में पूर्व इंडियन क्रिकेट कप्तान व डीटीसी कॉरियर ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली समेत कई हस्तियां मौजूद रही। साथ ही पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। छिपाबड़ोद के दिगोद जागीर ग्राम पंचायत में शनिवार को गौशाला का शिलान्यास किया गया। गौशाला की 4 दीवारी के लिए प्रधान कोष से 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। शनिवार की दिगोद जागीर में चल रहे भागवत कथा के समापन अवसर पर प्रधान कविता मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। इस अवसर पर प्रधान द्वारा देहलनपुर में कदम वाले स्थान पर इंटरलॉकिंग के लिए प्रधान कोष 13 लाख रुपए की घोषणा की। रावला मंडी में आईजीनीपी में 4 में से 2 ग्रुप में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस संबंध में माकपा की ओर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकपा के जिला परिषद सदस्य विष्णु बाबू ने पत्रकारों को बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा 3 में से 1 ग्रुप में रेगुलेशन की घोषणा की, जिससे किसानों के कोई भी फसल नहीं पड़ेगी। इसे माकपा विरोध करती है। वहीं पानी नहीं दिया गया तो 10 दिसंबर को किसान सभा के नेतृत्व में रावला तहसील का घेराव किया जाएगा। किशनगंज तहसील क्षेत्र में धार्मिक कस्बे रामगढ़ में स्थित गिरनार पहाड़ी माताजी मंदिर के नजदीक माला तलाई पर श्रीमद भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का भव्य शुभारंभ हुआ।
चुरू के बिदासर में नोखा सीकर रोड स्थित नवनिर्मित पंचायत समिति के पास मिनी सचिवालय का शिलान्यास कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके पश्चात शिलान्यास कार्यक्रम का कार्यकर्ता सम्मेलन में बदल गया। दरअसल मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल मिनी सचिवालय का शिलान्यास रखने वाले थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनसे पहले ही रोक लगा दी। वहीं मंत्री मेघवाल ने कहा कि मिनी सचिवालय इसी जगह पर बनेगा, चाहे हमें किसी कहीं भी जाना पड़े। हाईकोर्ट को गुमराह किया गया है। श्री कोलायत के राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट संचालित सौर ऊर्जा प्लांट के सुरक्षा कर्मियों को विगत 9 मार्च से वेतन नहीं मिलने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर के सामने सुरक्षा कर्मियों द्वारा गुहार लगाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बारा जिले के किशनगंज पंचायत समिति के रामगढ़ ग्राम पंचायत का मामला, जहां पंचायत समिति किशनगंज के ग्राम पंचायत मुख्यालय रामगढ़ पर महिलाओं ने सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन किया। तारानगर के स्थानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया के गलत बयान पर किसानों में आक्रोश है। कामरेड निर्मल प्रजापति से मिली जानकारी के अनुसार 14 नवंबर से तारानगर के तहसील कार्यालय के आगे विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का धरना चल रहा है। धरने को लेकर तारानगर के स्थानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया ने किसानों के खिलाफ गलत तरीके से बयान देकर न्यूज में छपवाई, जिससे किसानों में भारी गुस्सा है। इसको लेकर कामरेड निर्मल कुमार व उमराव सहारन सहित अन्य किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की व विधायक बुडानिया पर आरोप लगाए। आहोर उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत जवाई कमांड क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर रोड जाम कर धरना दिया गया। आपको बता दें कि उखरडा टेल पर जवाई नहर का पानी नहीं पहुंचने पर किसानों ने चांदराई जीएसएस के पास चौराहे पर कांटों की बाड़ लगाकर रोड जाम कर धरना। सिरोही शहर के स्थानीय इमानुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिरोही के मैनेजर फिलिप्स साम व प्रधानाचार्य टाम पी साम की उपस्थिति में विद्यालय के इंटर हाउस बालिक बालिकाओं की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ओसिया पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को प्रधान ज्योति जानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वीडियो की अनुपस्थिति में सचिव ईशा राम चौधरी ने गत बैठक की कार्यवाही का पठन कर कार्यवाही शुरू की बैठक की। रेवदर उपखंड के करोटी चौराहे पर आज एक बड़ी अनहोनी होते हुए बच गई। हुआ कुछ यूं कि एक ट्रेलर तीव्र गति से आ रहा था कि उस दरमियान टर्न लेते समय गति ज्यादा होने से ट्रेलर चालक द्वारा यह ट्रेलर निरंकुश हो गया और इससे पलट गया। दरअसल गनीमत रही कि हादसे में कोई अनहोनी नहीं हुई, चालक परिचालक सुरक्षित रहे। ऐसे में एक बार फिर जहां को राखी सैया मार सके ना कोई, कथन चरितार्थ हुआ। वहीं आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। चित्तौड़गढ़ के राजमी में अखिल भारतीय हरिवंश कीर समाज मेवाड़ नवयुवक मंडल के तत्वाधान में कीर समाज के आराधना देवी पूरी माँ का जन्मोत्सव 11 दिसंबर धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। वहीं चित्तौड़गढ़ के बॉर्डर के कीर की चौकी वल्लभ नगर मावली तहसील स्थित पूरी माँ स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम के लिए समाज के युवा व पंच पटेलों ने गांव जाकर जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीले चावल देकर आमंत्रित किया। फिलहाल गांव खबर शहर बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।